धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि इस साल धनतेरस के त्यौहार को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 22 अक्टूबर को धनतेरस मनाने की बात कर रहे हैं तो कुछ 23 अक्टूबर को। महापर्व 22 अक्टूबर शनिवार से आरंभ होगा। इस साल धनतेरस का त्यौहार 2 दिवसीय होगा। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, संपन्नता आती है और माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बार धन त्रयोदशी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी शनिवार को शाम 4:13 पर लग रही है और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 4:45 तक रहेगी। इस अवसर पर अधिकांश लोग शुभ मुहूर्त में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप वस्तुएं खरीदते हैं। इसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति, सोने चांदी के आभूषण, धातु के बर्तन, श्रीयंत्र और कुछ विशेष चीजें जैसे कि वाहन। इस साल त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को ही बन रहा है। इस वजह से धनतेरस या धन त्रयोदशी की पूजा 22 अक्टूबर को करनी चाहिए। 22 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 से रात 8:17 तक रहेगा। आपके पास धनतेरस की पूजा के लिए 1:15 का समय रहेगा। शुभ मुहूर्त में धनतेरस की पूजा करने मात्र से धन लक्ष्मी पूरे वर्ष हमारे यहाँ निवास कर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं तथा पूजा अर्चना करने मात्र से आने वाले कष्टों का निवारण स्वतः हो जाता है। धनतेरस का महत्व। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से हर वर्ष दिवाली के पहले धन त्रयोदशी के रूप में भगवान धन्वंतरी की जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। धनतेरस की पूजन विधि प्रदोष काल में एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दे तथा उस पाटे पर भगवान गणेश, कुबेर, धन्वंतरी और लक्ष्मी जी को विराजमान करे तथा साथ ही साथ एक करमान दीपक घी का भरकर प्रज्वलित करे। एक कलश स्थापित करें, उस पर नारियल रखा हो तथा 5 प्रकार के पत्तों से शोभायमान हो और कंकु, अबीर, गुलाल, सिंदूर, हल्दी और चावल तथा पचरंगी धागा, जनेऊ थाली में स्थापित कर भगवान का विधि विधान से पूजन करना चाहिए।